वर्ष वेलकम बैक टू टेली नगरिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी ने इस शो को बीच में ही क्यों क्विट कर दिया और अब नई अनीता भाभी कौन बनने वाली है। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 साल से अनीता भाभी का कैरेक्टर सौम्या टंडन ही निभाती आई है, फिर अचानक से इस रोल को बीच में ही छोड़ देना। इस बात पर क्वेश्चन किए जाने पर सिर्फ आंसर यही दिया कि वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती हैं। पहचान आगे तक होनी चाहिए, उन्हें लोग सौम्या टंडन के नाम से जाने, वो कुछ ऐसा चाहती हैं। इसीलिए इस 5 साल की जर्नी को वो बीच में ही छोड़कर जा रही हैं। लेकिन वो जा कहाँ रही हैं, मुद्दा ये है। जी हाँ, ये मेन पॉइंट है, आखिर वो जा कहाँ रही हैं जिसके चलते उन्होंने इस चलते हुए शो को बीच में ही छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है वजह कुछ बड़ी होगी और उनका वो काम, वो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा होगा। तो आपको बता दें, खबरें ऐसी आ रही हैं कि सौम्या टंडन बिग बॉस 14 में नज़र आने वाली हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सौम्या टंडन बिग बॉस के घर की मेहमान बनने वाली हैं। यही वजह है कि उन्होंने भाभी जी के घर पर जैसे शो को बीच में ही छोड़ दिया। अब इसके बाद बात ये आती है कि आखिर सौम्या टंडन के जाने के बाद अनीता भाभी का किरदार कौन निभाएगा। आपको बता दें, अगर खबरों की माने तो खबरें ये आ रही हैं कि सैफ अली जरीवाला इस रोल के लिए फिट हैं और उन्हीं का नाम आगे आ रहा है। हाँ, सैफ अली के फीचर्स कुछ सौम्या टंडन से ज़रूर मिलते हैं, बट ये महज एक अफवाह है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि अनीता भाभी का किरदार नेहा पेंडसन निभा सकती हैं, जिन्हें आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। नेहा पेंडसन में आई कमिंग मैडम में नजर आई थी, जहां से इनका ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, जहां वो मैडम के कैरेक्टर में नजर आई थी। तो खबरें यही आ रही हैं कि अब अनीता भाभी के किरदार में आपको नेहा पेंडसन देखने को मिलेंगी। नहीं पता ये खबरें कितनी सच हैं या कितनी झूठ, पर जो भी हो आपको कुछ दिनों के बाद पता चल ही जाएगा कि आखिर अनीता भाभी का किरदार कौन निभाएगा। वैसे अनीता भाभी जो भी होगी, क्या वो सौम्या टंडन की तरह दर्शकों का दिल जीत पाएगी। तो में एक बार पहले भी रिप्लेसमेंट हो चुका है अंगूरी भाभी को लेकर। शुभांगी अत्री ने शिल्पा शिंदे का किस तरह से निभाया कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। हम तो यही आशा करते हैं कि दर्शक अनीता भाभी यानी कि नई अनीता भाभी को भी उतना ही प्यार दें जितना कि नई अंगूरी भाभी को। आपको हमारी ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।